एसएससी जीडी मैथमेटिक्स मैं टॉपिक चला रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो नंबर है 11। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, ए अनुपात बी अनुपात 5:6, उनका गुणनफल दिया है 1920। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, गुणनफल यानी कि ए क्रॉस बी। जब ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 5:6, तो ए बराबर होगा 5K एंड बी बराबर होगा 6K एंड ए क्रॉस बी बराबर यानी ए गुणा बी 1920। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ए का मान 5K एंड बी का 6K बराबर 1920, 5×6=30, के स्क्वायर बराबर 1920, तो ये होगा के स्क्वायर बराबर 1920/30, 0 से 0 कैंसिल होगा, देन के स्क्वायर बराबर 3 से भाग देंगे, 3×18, 1×3×12 यानी के स्क्वायर बराबर 64 एंड के बराबर √64, तो के बराबर 64 का वर्गमूल 8, 8×8=64। अब लेना है ए प्लस बी, ए का मान है हमारा 5K एंड बी का मान है 6K, तो ए प्लस बी 5×6=11, के का मान है 8×11=88, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा 88। एंड क्वेश्चन नंबर टू है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3:1, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 810 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी ए प्लस बी हमें फाइंड करके बताना है ए प्लस बी कितना आएगा। तो वही अनुपात है, तो ए बराबर हो जाएगा 3K एंड बी बराबर के, तो ए का मान यहाँ रखेंगे 3K का स्क्वायर, बी का मान है K का स्क्वायर बराबर 810, ये होगा 9K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर 810, 9K स्क्वायर और 1K स्क्वायर यानी 10K स्क्वायर बराबर 810, 0 से 0 कैंसिल, K स्क्वायर बराबर 81 एंड K बराबर √81, के बराबर 9×81, के बराबर 9, तो ए प्लस बी, ए का मान 3K एंड बी का मान के, तो 3K और के 4K, के का मान 9×9=36, ठीक है। तो ए प्लस बी आ गया इसमें 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, आपकी बार दे दिए तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 था, तो तीन संख्या मान लेंगे ए बी सी 3:5:7 है, उनके वर्गों का योगफल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है 1328, उनके वर्गों का योगफल इतना है, सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है, तो इनमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या, सी होगी सबसे बड़ी, ए बराबर हो जाएगा 3K एंड बी बराबर होगा 5K एंड सी बराबर होगा 7K, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान रखेंगे ए का मान 3K, 3 का स्क्वायर, बी का 5K, 5K का स्क्वायर, सी का है 7K, 7K का स्क्वायर बराबर 1328, नहीं का 9K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर बराबर 1328। इसको सॉल्व कर लेंगे, 49 25 और 9 34, ठीक है, 34K² प्लस का 49K² बराबर 1328, 9 4 13 का 3 6 4 3 7 83K² बराबर 1328, 83 हो जाएगा एन के स्क्वायर बराबर 1328/83, 83 मुझे लग रहा 83 किसी संख्या से कटेगा नहीं, ठीक है, तो 83 से ही 1328 को डिवाइडिंग करते हैं, तो 1328 3×18 मुझे लग रहा पॉसिबली 6 बार जानी चाहिए, यानी कि 83 6 से मल्टीप्लाइंग, 6×3=18, 80 लेख और 6×48 48 और 1
49, 498 हो रहा है। नहीं, ये बात वो नहीं बन रही है, कुछ बड़ा है। 83 से भाग करेंगे, 83 का नहीं, 83, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचे 12, 12 में कट गए 4, ठीक है, 498 बना। और 6 बार 6 3 18 का 8, 6 3 18 हाथी लगा 1, 6 8 48 और 49, 16 बार कट रहा है पूरा पूरा, कितनी बार, 16 बार। तो के स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, के स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर अंडर रूट 16, यानी k बराबर 4। c का मान निकालना, c बराबर 7k है, k का मान 4 रख देंगे तो c बराबर 7 4 28, ठीक है। तो c का मान कितना आ जाएगा इसमें, 28 आ जाएगा, c बराबर 4 7 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद 3 क्वेश्चन हो गए हैं, चौथा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, वही 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, ए अनुपात, बी अनुपात, सी मान लेंगे, 6 अनुपात 4 अनुपात 10, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनके वर्गों का योग है। वही वैसा ही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3800 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है इस बार, यानी ए बी सी तीनों निकालेंगे, वर्गों का योग 3800 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3800, तो ए बराबर होगा 6k, एंड बी बराबर 4k, एंड सी बराबर 10k। यहाँ वैल्यू रख देंगे, ए बराबर 6k का स्क्वायर, बी है 4k का स्क्वायर, सी है 10k का स्क्वायर बराबर 3800, 36k स्क्वायर प्लस 4 16k स्क्वायर प्लस 100k स्क्वायर बराबर 3800, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे, 6 6 12 2 हासिल 1 3 4 1 5 52k स्क्वायर प्लस का 100k स्क्वायर, ठीक है, 100k स्क्वायर बराबर 3800, तो ये हो जाएगा 152 152k स्क्वायर बराबर 3800, तो k स्क्वायर बराबर 3800/152, ठीक है, 3800/152। इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग मैं मानता हूँ किससे, हाँ, के स्क्वायर बराबर 3800/152, 2 से कटेगा, अभी तो कट जाएगा, 2 से 1900 एंड 2 से 14 2 से 12 76, के स्क्वायर बराबर 1900/76, और काट लेंगे 2 से 2 3 6 1 5 और 16 हो गया 2 8 16, एंड 2 से काटेंगे 2 9 18 1 5 2 5 10 950, एंड के स्क्वायर बराबर 950/38, 2 से काटेंगे 19 2 4 8 2 7 14 2 5 10 475/19। मैं मानता हूँ इसके पाढ़े में ये आना चाहिए कहीं ना कहीं, पूरा पूरा 19 से कटना चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा। 475 को 19 से डिवाइडिंग कर लेते हैं, 19 2 8 38, 17 में से 8 गया है, 9 बचेगा, ठीक है, 19 18 5 16 5 80 18 19 5 बार जाना चाहिए, 5 9 45 का 5 से लगे 4 5 5 4 9 19 5 95, ये आ रहा है 25 टाइम्स। तो के स्क्वायर बराबर 25, एंड के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। हमें संख्याएं अलग अलग निकालनी थी, ए बराबर 6k, 6 × 5 6 5 30, एंड बी बराबर है 4k, 4 × 5 4 3 12 4 5 20 और सी बराबर 10k, 10 × 5 10 5 50। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हमें लेनी थी, ए बी एंड सी, तीनों संख्याएं ज्ञात करनी थी।